जानकी देवी जी, हमें पता चला कि आप जबरदस्ती अपनी बेटी का अबॉर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बालिग बेटी की मर्जी के खिलाफ ऐसा करना कानून जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, अंदर चलिए। जल्दी आ पागल, नहीं तो ये लोग आज मेरे बच्चे को मार डालते। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना कि किस तरह ये लोग निधि को अपना बच्चा अबॉर्ट करने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। मैं इसकी मां हूं इंस्पेक्टर साहब, और मेरी बेटी का भला बुरा मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मैं भी एक मां हूं आंटी जी, पर अपनी बेटी को दर्द या तकलीफ नहीं दे सकती। बेवजह अपने स्वार्थ की मैं अपनी ही बेटी को चोट पहुंचाने की गलती नहीं कर सकती। पर आप जो कर रही हैं वो गलत नहीं, गुनाह है। नीति जी, क्या ये सब सच है या सच में आपको फोर्स किया जा रहा था? जी इंस्पेक्टर साहब, वो दवाई खिला के मेरी माँ मेरे बच्चे को मारना चाहती है। गांधी जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इस जुर्म के लिए मैं आपको अरेस्ट करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा पारिवारिक मामला है। नहीं सर, अब ये आपका पारिवारिक मामला नहीं रहा, क्योंकि ये लड़की बालिग है, इसलिए अब ये कानूनी मामला हो गया और जानकी जी कानून के नजरों में दोषी पाई गई। अरेस्ट कर लो। कुछ होश भी है कि नहीं? ये जानकी देवी है, जानकी देवी, और आप इन्हें हथकड़ी पहना रहे हैं? अच्छा मैडम, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, एक काम कीजिए, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। वहां आप अपना भी परिचय दीजिएगा और इनका भी। और डॉक्टर, आप ये सब जानते हुए भी कर रही थी, आपकी तो मैं डिग्री जब्त करवाऊंगा। दीदी, हम सब चलेंगे आपके साथ। नहीं दीदी, तुम यही रहना बच्चों के साथ। जब रौनक आएगा तो उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है दीदी, आप जैसा कह रहे हो वैसे ही होगा। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अभी जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ भाई साहब, सही रहेगा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चलिए।
इससे पहले कि रौनक घर आए हमें ये सब साफ करना होगा। प्रत्येक संकेत जल्दी करो तुम लोग, रौनक किसी भी वक्त घर आ जाएगा। माँ क्यों गलत का साथ दे रहे हैं? हमें रौनक भैया को सच बताना चाहिए ना, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम जानते हो ना तुम्हारी बड़ी माँ ने क्या कहा है तुमसे, यही सही है और यही होगा। तुम लोग रौनक को कुछ नहीं बताओगे। सुन लिया तुम तीनों ने, रौनक को कुछ पता चलना नहीं चाहिए। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ बटा। क्या हुआ तुम लोग रुक क्यों गए? क्या नहीं बताना चाहते आप लोग मुझे? आप कौन सी बात छुपाना चाहती है मुझसे? विनय का क्या हुआ? तुमने बताया नहीं अरेस्ट हुआ वो? चाची आप मुझसे कौन सी बात छुपाना चाहती? और आप सबको क्या सिखा रही थी? कुछ नहीं बेटा, मैं तो इनसे ये कह रही थी कि तुम्हें और परेशान ना करे। पहले से ही इतने परेशान हो ना तुम। मैं माँ माँ नीति माँ रौनक सुनो मेरी बात। रौनक माँ माँ रौनक चाची माँ कहाँ है? जी जी नीति को लेकर वो। रौनक सुनो मेरी बात। रौनक 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 मेरी बात, दीदी नीति को लेकर डॉक्टर के पास गई। तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। ये क्या हालत हो गई है कमरे की, क्या हुआ था यहाँ पर? वो आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं छुपा रहा है तुमसे, बस बहुत परेशान हो, आराम की जरूरत है तुम्हें और कुछ नहीं। संजना बता मुझे बात क्या? क्यों परेशान कर रही है भाई, चल मेरे साथ चल। संकेत प्रतीक तुम दोनों चुप क्यों? बोलो ना क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं भाई, वो हम नीचे साफ सफाई कर रहे थे। आप भी चलिए ना। मामा जी और चाचू कहाँ? वो भी बड़ी माँ के साथ गए हुए। बड़ी माँ के साथ? क्या कर रही हो तुम संजना? रौनक के मन में शक क्यों पैदा कर रही हो तुम? क्या कहा था तुम्हारी बड़ी माँ ने? हाँ बताओ मुझे। रौनक को कुछ नहीं बताओगी तुम, समझी तुम? चाची मेरा मन नहीं माना, वही तो बात है जो आप मुझे छुपा रहे हैं। अगर सब लोग नीति को डॉक्टर के पास लेकर गए तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? नहीं बेटा मैं तुम्हें बताने वाली थी पर ये दवाई जमीन पर क्यों फेंकी हुई है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये बस बहुत हो गया। क्या हुआ था यहाँ पर, कोई कुछ बताएगा मुझे? बताने वाली कोई बात ही नहीं है। संजना मुझे पता है कि तुम सच जानती हो और तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, बताओ मुझे हुआ क्या? बेकार में शक कर रहे हो रौनक तुम। भाई बड़ी माँ ने नीति का अबॉर्शन जबरदस्ती करवाने की कोशिश की थी।
माँ मुझे बोलने दीजिए। आपकी कॉलेज की दोस्त है ना काजल जी, वो आई थी, उन्होंने बड़ी माँ को बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन बड़ी माँ ने किसी की बात नहीं मानी। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया और बड़ी माँ को अरेस्ट करवा दिया। पापा जी और मामा जी वहीं पे गए हैं। माँ पुलिस स्टेशन में है और किसी ने मुझे अभी तक कुछ बताया नहीं। और काजल की ये मत कि माँ के खिलाफ रिपोर्ट फाइल की। नहीं भैया, गलती बड़ी माँ की है, काजल जी की नहीं। संजना, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ प्लीज मुझे बोलने दीजिए। के लिए सच जानना बहुत जरूरी है। नीति अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी, वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे नहीं पता भैया कि बड़ी माँ ऐसा क्यों कर रही थी। नीति बार बार चिल्ला चिल्ला के सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि वो बच्चा उसके और विनय के प्यार की निशानी है। सोचिए ना, अगर विनय ने उसको धोखा दिया होता तो वो उस बच्चे को क्यों बचाने की कोशिश करती। ये तुम क्या बोल रहे हो संजना? तुम होश में तो? माँ नीति से झूठ क्यों बुलवाएगी? ऐसा क्यों करेगी? नीति कहाँ है? काजल जी उनको अपने साथ लेके चली गई, पर पता नहीं कहाँ। देर हुए काजल को गए हुए, अभी तक घर नहीं पहुंची। मैं फिर से ट्राई करती हूँ काजल को। सॉरी, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहती थी लेकिन माँ ने मुझे धमकाया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं सब कुछ सच बता दूंगी तो वो आपकी जान ले लेंगी। नीति, सुखी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैंने फोन पे ही तुम्हारा सबको बता दिया था। हाँ नीति, यहाँ पे कोई भी तुमसे नाराज नहीं है। ऐसी हालत में इतना नहीं सोचते, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बेटा ठीक तो है? कोई तकलीफ तो नहीं? माँ, अक्षय कहीं दिखाई नहीं दे रहे, घर पे नहीं है वो? पुलिस स्टेशन से आने के बाद काफी परेशान था, तुम्हारे भोपाल जाने की बात सुनकर तो बहुत परेशान हो गया। काजल बेटा, तुम अक्षय को फोन मिलाओ ना, वो तुम्हें ही ढूंढने गया था। जी हाँ। काजल कहाँ हो तुम ठीक हो ना? अक्षय मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? काजल इतनी रात को भोपाल जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। वो क्या है कि
मैं नीति को अपने साथ घर लेकर आ गई है। क्या? लेकिन क्यों? और क्या करती है अक्षय, जानकी आंटी जबरदस्ती नीति का अबॉर्शन करवाना चाह रही थी। वो तो मैं सही वक्त पर पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई और तब नीति का अबॉर्शन रोक पाई। काजल, तुम पुलिस लेके जानकी आंटी के घर गई थी? अक्षय, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अच्छा, आंटी कहाँ है? उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। काजल, ये तुमने सही नहीं किया। रौनक कोई बात पता चलेगी तो वो हमें और भी गलत समझेगा। उसे लगेगा कि हमने वीनू का बदला लेने के लिए सब किया है। अक्षय, पर जो आंटी कर रही थी वो भी तो गैर कानूनी था ना? मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं, मजबूरी में किया है। अक्षय, फिलहाल तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं अभी घर आ रहा हूँ। जेल हो गए तुम और रौनक को सच्चाई का पता चल गया तो? नहीं कामिनी, रौनक को सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। विधि को बोलकर तो आई हूँ कि रौनक को संभाले, लेकिन मुझे तो लगता है ना, ये तेरे बुरे कर्मों का फल है। याद कर, ठीक 5 साल पहले इसी जगह पे तुमने काजल और अक्षय की धोखे से सगाई कराई थी। जिस जगह अक्षय और काजल हिरासत में थे, आज तू वही हथकड़ी लगा कर बैठे। रौनक को ये सब पता चल गया तो तेरी बोल खुलती उसके सामने तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ, जो अपना मकसद पूरा करने के लिए दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते। ऐसे गिरे हुए लोगों को मैं अपनी आंखों के सामने खुद सजा पाते हुए देखना चाहता हूँ। अतीत का वो सच रौनक के सामने नहीं आना चाहिए कामिनी। अगर ऐसे हुआ तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। क्या होगा जानकी, तुझे भी डर लग रहा है ना? मेरा मतलब है कि तेरी आंखें लाल, चेहरा पीला, तो मुझे नहीं, वो थकान से भी तो हो जाता है ना, और गुस्से से भी। आइंदा जबान पर काबू रखना कम नहीं। दीदी, वो रौनक पुलिस स्टेशन आ गया है। से मिलने की जिद कर रहा है। हे भगवान, रौनक आ गया, अब क्या होगा चाची? तेरे अच्छे दिन गए। अगर रौनक को तब तक चाई पता चल गई, राज खुल गए, वो तो तुझे खुद ही जेल में डाल देगा। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।